बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम सर्कल गलियात, सर्कल लौरा, दमतौड़ और गढ़ी प्रोग्राम के मेरे बुज़ुर्गों, नौजवानों, प्यारे भाइयों, आपके इल्म में है कि रात को इलेक्शन का ऐलान हो गया है और आज से इलेक्शन की तैयारियां लोगों ने शुरू कर दी हैं। आप जानते हैं कि पिछले ख़ासकर 5 साल की मैं बात करूँगा कि 5 साल में आपने सारी पार्टियाँ पाकिस्तान की देख ली हैं जिन्होंने हुकूमतें की हैं और इस मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया, दारे तबाह कर दिए, मुल्क की मैशियत तबाह कर दी, मुल्क के कानून साजी को जो इस्लाम के मुताबिक होनी थी उसको तबाह बर्बाद कर दिया, कोई इलाके में तरक्याती काम नहीं हुए। तो ये सारा क्यों है? ये सारा इस वजह से है कि वोट की पर्ची हम लोग सही इस्तेमाल नहीं करते। अगर वोट की पर्ची एक दयानदार शख्स को मिल जाए, दयानदार पार्टी को मिल जाए, तो इस मुल्क में किसी चीज़ की कमी नहीं। ये मुल्क खजानों से भरा हुआ है, इस मुल्क के अंदर सब कुछ है, लेकिन बदकिस्मती से क्यादत अच्छी नहीं आती। मैं समझता हूँ कि अगर अब भी आप ये जो फैसला आपने 8 फरवरी को करना है, इस 8 फरवरी को भी दोबारा आपने ऐसा ही फैसला किया कि आपने उन्हीं पुरानी पार्टियों को, पुराने अजमाए हुए लोगों को दोबारा दिया, तो फिर मुल्क उसी तरह दोबारा चलेगा। इसलिए मैं नौजवानों से, बुजुर्गों से, अपनी बहनों भाइयों से गुजारिश करता हूं कि एक मौका में देखें। जमात इस्लामी आपके सामने है, पिछले 60 साल से इसका किरदार आपके सामने है कि कोई अल्हम्दुलिल्लाह इसकी क्यादत पर उंगली नहीं उठा सकता। खिदमत खल्क में हम सबसे आगे, हर तरह की खिदमत में हम मसरूफ होते हैं, हम आपके साथ हैं, आप जैसे आपके भाई हैं। इसलिए मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि इलेक्शन का वक्त बहुत कम है, बहुत कम दिन रह गए हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मेरा साथ दें। अगर मेरे मुकाबले में और लोग मुझसे अच्छे हैं, और पार्टियां हमसे अच्छी हैं, तो बाखुदा आप उनको दें, लेकिन अगर उनके मुकाबले में हमें बेहतर समझते हैं तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं, मैं आपसे पास पहुंचूं ना पहुंचूं, जैसे भी हालात हों, आप तराजू का साथ दें, जमात इस्लामी के साथ दें, मेरा साथ दें। मैं आपसे वादा करता हूँ इंशाल्लाह किसी पार्लियामेंट में जाके इस्लाम के मुताबिक कानून साजी करूँगा, अदारों को मजबूत करूँगा और आपके तरक्याती काम, आपके नौजवानों को रोज़गार का जो मसला है, ये सारे मसले हमारी जिम्मेदारी होंगी कि हम अल्लाह के सामने जवाबदेह होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे पैगाम जिन लोगों तक पहुँचाए वो ये पैगाम आगे पहुँचाएंगे, और बिन देखे बिन मिले मैं आपसे ना भी मिल सकूँ तो आप वोट अमानत समझते हुए, कौम की अमानत समझते हुए वोट तराजू को दें। तराजू जीतेगा इंशाल्लाह तो आपके सारे मसाइल हल होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार आप तराजू को ज़रूर आजमाएंगे और तराजू का साथ देंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।